डी टू डी का फर्स्ट राउंड जो आपका एक्चुअल राउंड था उसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। अब राउंड वन में से राउंड टू मतलब जो आपका रीसप्लिंग नाम दो या फिर राउंड टू नाम दो, उसमें कैसे जाना है, फीस कैसे पे करनी है, फीस वापस आएगी नहीं आएगी, वापस भरनी है, कॉलेज फीस में इंक्लूड होगी एक्स्ट्रा कितनी फीस भरनी है, डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, क्या सबमिट करवाना है, क्या राउंड टू में थोड़ा सा मेरिट डाउन जाएगा अप जाएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत सारे सवाल कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने कमेंट में कमेंट बॉक्स में किए थे। आपके सारे डाउट्स के साथ आज ये वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट करना, क्योंकि आज रात को लाइव सेशन है, 2 तारीख को, 2 जुलाई को रात को 9 बजे हम लाइव सेशन ले रहे हैं जिसमें आपके बाकी के सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे और प्रॉपर इसको समझ भी लेंगे। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि डी टू डी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो एसीपीसी का जो आया है इंपॉर्टेंट सर्कुलर राउंड वन के बाद, इसमें बोला है 1/7 से लेकर के 6/7 तक आप आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भर सकते हो, है ना। इतना आपको करना है, एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर देना है, वो खास ध्यान में देना है बस, बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीजें लिखी हुई नहीं। अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो तो एडमिशन विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा कि भाई आप आपका एडमिशन कंफर्म कर लेना। दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी है, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुजराती में भी है। सीट अलॉटमेंट में जाओगे तो आपका आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दिखेगा, है ना, ऐसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो ऐसे आपको कहां पे मिला है नाम नंबर के साथ लिख के दिखाई देगा, उसको कंफर्म कर दोगे, फिर ऑनलाइन फीस पे कर दोगे, फीस पे करने के बाद आपको ये दिखेगा फीस पे कर देना, प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस हो जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन का अमाउंट दिखा देगा, पूरी प्रोसेस उन लोगों ने मस्त समझाई है, और ये जो लास्ट में लेटर निकलेगा उस लेटर को आपको खाली डाउनलोड कर देना है, ये आपकी प्रोसेस है। अब मैं वन बाय वन सारे सवाल उठा रहा हूँ, सवाल देखते जाते हैं हम और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि भाई मॉक राउंड में मुझे जो कॉलेज मिली थी वो मेरे को फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, ऐसा क्यों? तो वो तो मेरिट चेंज हुआ होगा, उस रीजन की वजह से ना मिली हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। अब मॉक राउंड का एनालिसिस पूरा हमने एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ में रख दिया है, फर्स्ट राउंड का भी अभी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले आ गया है। कहां पे जाना है? एप्लीकेशन के होम पेज में माई कोर्स में एसीपीसी वाला एक कोर्स आपको मिला होगा, फ्री में मिल जाता है, उसके अंदर जाना है, एसीपीसी 2024 में डी टू डी में जाना। मॉक राउंड का फोल्डर अलग है, फर्स्ट राउंड का भी फोल्डर अलग है, उसमें फर्स्ट रैंक एंड लास्ट रैंक को प्रॉपर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भी आपके मेरिट रैंक के अनुसार आपको कहां कहां पे मिल रहा है। कोई कॉलेज ही नहीं मिली है, अगर आपको कोई भी कॉलेज ही नहीं मिली, आपका मेरिट रैंक बहुत पीछे है, या फिर आपने DDCET एग्जाम ही नहीं दी है, और अगर आपको कहीं पे मैनेजमेंट कोटा में ऑफलाइन में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फॉर्म रखा है गूगल फॉर्म, वो आप फिल कर देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और थोड़े बहुत ऑप्शन देगी, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होती है, टॉप 5 कॉलेज भी नहीं होती है क्योंकि उनकी सीट्स ऑलरेडी भर जाती है, ठीक। उसके बाद फीस पे एंड राउंड टू में कैसे जाना है, तो फीस पेमेंट का फंडा समझ लो, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगी तो 20,000 रुपीज हो गए बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 20,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ये जो फीस होती है वो कॉलेज की फीस में से माइनस होती है, मान लो कॉलेज की फीस 1 लाख है एक ईयर की, तो उसमें अब आपको 80,000 भरने के, क्योंकि 20,000 आपने पहले भर दिए, एसीपीसी को ये फीस जाती है, आपने ये फीस कॉलेज को नहीं भरी, अभी एसीपीसी को भरी। अगर आप राउंड टू में जाओगे, कॉलेज चेंज होगी तो भी ये फीस वापिस नहीं भरनी है, है ना। राउंड वन में आपने 20,000 भरे, कोई एक्स कॉलेज प्राइवेट मिली है, राउंड टू में आपको कोई वाई कॉलेज प्राइवेट मिलेगी तो वापिस 20,000 भरने के तो नहीं भरने के। अगर राउंड वन में आपको गवर्नमेंट लगी है तो बॉयज के लिए 1500 है और गर्ल्स के लिए 0 है, है ना, ये बॉय और ये गर्ल। अगर TFWS है तो प्राइवेट में 0 बॉयज एंड गर्ल्स, फ्री शिप कार्ड है तो भी 0, है ना, फ्री शिप कार्ड है तो भी हर जगह पे 0, और अगर आप TFWS में कहीं पे भी हो तो बॉयज के लिए भी यहां पे 0 और यहां पे भी 0, गर्ल्स के लिए भी 0, तो ये फीस का फंडा है। अब मान लो राउंड वन में आपको प्राइवेट में मिला है और राउंड टू में आपको गवर्नमेंट मिल जाता है, तो आपने यहाँ पे 20,000 भरे हो गए, वो राउंड टू में गवर्नमेंट मिलने के बाद आपके वापस आते हैं लेकिन 3-4 महीने के बाद आपके घर पे वापस आएंगे, है ना, कोई रूल बुक नहीं है कितने टाइम में वापस आते हैं। मान लो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट है 1500 भरे, यहाँ पे प्राइवेट मिलता है तो 18,500 का गैप है, उतना ही भरना पड़ेगा,
यहां पे प्राइवेट है 20,000 भरे हैं, यहां पे भी प्राइवेट है 20,000 वापिस नहीं भरने के, ठीक। तो गैप समझ लेना, उतना ही आपको फील करना होता है। यहां पे गवर्नमेंट है, यहां पे भी गवर्नमेंट है, तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। यहां पे प्राइवेट है तो वापिस भरने का आएगा नहीं। यहां पे फ्री शिप कार्ड है, यहां पे भी फ्री शिप कार्ड है, कोई भी कॉलेज है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तो भी कुछ भरने का आएगा नहीं। यहां पे TFWS है, यहां पे प्राइवेट हो जाती है तो 20,000 आएगा, फ्री शिप कार्ड नहीं है तो, है ना। यहां पे फ्री शीट कार्ड है, फ्री शीट है, यहां पे गवर्नमेंट हो जाता है तो 1500 बॉयज को, गर्ल्स को कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो ये फीस का फंडा है जो राउंड टू में भी वापस भरना नहीं होता, गैप भरना होता है, और अगर वापस लेना है तो 2-3 महीने में वो अपने आप वापस आता है, आपको कोई भी प्रोसेस करनी होती नहीं है। और राउंड टू में आप, अब एक सवाल ऐसा भी था, सर मैं ये फीस पे भर दूं और राउंड टू के बाद मेरा रिजल्ट डिप्लोमा का फेल आता है तो इसका एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ना। वो मैंने 2-3 टीचर को पूछा है, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने पहली बार किया। लास्ट टाइम तक तो वो रिजल्ट आने के बाद ही खेल खेलते थे, इस बार उन लोगों ने पहले खेल खेल किया है, लेकिन वो भी आपका पैसा तो वापस वो लोग कर देंगे, क्योंकि राउंड टू के बाद आपका विड्रॉ का ऑप्शन आता है ना। तब तक आपका रिजल्ट फेल आता है तो उस कैंसिल के टाइम में कैंसिल करवा दोगे तो फीस वापस आ ही जाती है। उसके बाद राउंड वन में से राउंड टू में जब जाएंगे तो चॉइस फिलिंग वापस होगी, यस, ऐड कर पाओगे कॉलेज, रिमूव कर पाओगे, ऐड कर सब कुछ कर पाओगे, ऊपर नीचे भी कर पाओगे। मेरिट चेंज होगा तो मैं आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस दिखा दूं। देखो मैंने LD, VGEC और निर्मा का एनालिसिस किया है। मोक राउंड में LD ओपनिंग 12 था कंप्यूटर का, ओपन का एंडिंग 33 पे बंद हुआ था। अब मैंने फर्स्ट राउंड चेक किया तो 12 का 16 हो गया, 33 का 46 हुआ, मतलब मेरिट LD में कंप्यूटर का डाउन गया फर्स्ट राउंड में। अब मैं VGEC कंप्यूटर चेक करूं तो 56 से 115 था, तो 56 से 116 हुआ, तो इसको भी मैं डाउन ही बोलूंगा, एक नंबर डाउन गया, है ना, जिसका नसीब है बहुत अच्छा, 116 वाले का नसीब है। अब निर्मा कंप्यूटर में चेक कर रहा हूं ओपन में CSE, तो 4 से 36 कोई फर्क पड़ा नहीं, तो टॉप की कॉलेज में फर्क पड़ने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसमें ऐसा भी हुआ होगा 33 के बाद 46 वाला ही सीधा हो, है ना, कोई आगे गया हो। अब सेकंड राउंड में ये बहुत फर्क पड़ने का कोई चांस मुझे नहीं लग रहा, 5% मान के चलो, है ना, 0 to 5 ऐसा ही मान के चलो ना, क्योंकि ये गैप कब दिखता है, 12th moving, first year है तो दिखता है, क्योंकि आगे दूसरे काउंसलिंग चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट चले जाते हैं, इसमें तो कौन सा काउंसलिंग चल रहा है, तो कोई बहुत फर्क पड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सिंपल मेरिट का एनालिसिस है। तो कोई अगर ऐसा सवाल पूछे कि सर इस कॉलेज में बंद हुआ है 1500 पे और मेरा रैंक है 1510, मुझे मिल सकता है, ऐसा कोई बता नहीं सकता। 1510 पे ना भी मिले और 1600 पे कोई दूसरी कॉलेज में मिल भी जाता तो कितना गैप कौन सी कॉलेज में आएगा वो कोई बता सकता नहीं है। जिसने अच्छे कर्म करे होंगे उनका काम हो जाएगा, जैसे वो 116 नंबर वाला है ना, 115 का मेरिट 116 ही गया, तो उसने अच्छा कर्म किया होगा तो VGEC कंप्यूटर में उसका नसीब आ गया। अब फीस का फंडा मैंने समझा दिया। फॉर्म अब रीओपन हो गए तो ACPC की गाइडलाइन जो है ना, कैलेंडर है, उसमें कहीं पर रीओपन का लिखा नहीं है, तो अभी फिक्स नहीं बता सकते। इसलिए मैंने बोला DD CET की एग्जाम ही नहीं दी है, ACPC का D2D का फॉर्म ही नहीं भरा है, तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म रखा है, उसको भर दो, तो हमारी टीम आपको अलग अलग कॉलेज के लिए गाइड करेगी। बहुत कम नंबर है तो भी अलग अलग कॉलेज के लिए गाइड करेगी, राउंड वन में कहीं पे लगा नहीं है तो। लेकिन गवर्नमेंट में लेना है तो फॉर्म मत भरना, क्योंकि गवर्नमेंट में ऑफलाइन एडमिशन नहीं होते हैं, टॉप की कॉलेज में भी नहीं होते हैं। राउंड टू को सर रीसप्लिंग राउंड बोलते हैं कि राउंड टू बोलते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। और स्पेशल कोटा वाला एक केस था, है ना, स्पेशल कोटा दिख रहा था इस बार, तो वो स्पेशल कोटा कुछ नहीं है, वो सिंपल ही है, आप उसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, अगर आपको राउंड वन में से राउंड टू में जाना है, रिजो रीसप्लिंग है कि राउंड टू, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप एडमिशन लेटर डाउनलोड कर देते हो तो वो आपका कन्फर्म ही हो गया है, वो आपका कंफर्म ही हो गया है। लेकिन अगर आपको राउंड टू में नहीं जाना है तो इतने डॉक्यूमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके 3-4 फोटोज, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर है तो ओपन है तो जरूरत नहीं है, TFW सीट है तो आपका जो पापा का इनकम सर्टिफिकेट है वो, फ्री शिप कार्ड है तो वो, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, डिप्लोमा की मार्कशीट सारी ओरिजिनल और जेरोक्स, एडमिशन का लेटर और फी रिसिप्ट जो आपने ऑनलाइन भरी है वो, इतनी चीजें मोस्ट प्रॉब्ली जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बार कॉलेज में कॉल कर देना, वो लोग भी आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में कहीं पे कुछ बताया नहीं है। उसके बाद अगर आपने, मैंने ये बता दिया 20K रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब राउंड वन में से राउंड टू में जाने का थोड़ा फंडा समझ लो। दो तरह के लोग हो गए, आप राउंड वन में फीस पे नहीं करते हो तो भी राउंड टू में जा सकते हो, आप फीस पे करते हो तो भी जा सकते हो, है ना, फीस पे करते हो कि नहीं करते हो आप जा ही सकते हो राउंड टू में। लेकिन अगर आप फीस पे नहीं करते हो, राउंड टू में जाते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, कोई कॉलेज नहीं मिलती, है ना, कोई कॉलेज नहीं मिलती, नहीं मिलती, तो राउंड वन वाली भी गई, है ना, तो राउंड वन वाली भी आपकी गई,
क्योंकि आपने वहां पे फीस भर के फ्रीज नहीं किया था। अगर आप मान लो कि फीस भर के राउंड टू में जाते हो, राउंड टू में जाते हो, अब आपको यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो राउंड वन वाली रहेगी, है ना, वो तो अपने आप रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग के मुताबिक राउंड टू की कोई कॉलेज मिल जाती है तो राउंड वन वाली अपने आप कैंसल ही हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि सर मारे राउंड वन में जाऊँ शू करवा दो, यू नहीं था। ये खास समझ लेना, ये रूल आपको नहीं पता है तो समझ लेना। अगर आप राउंड वन में फीस नहीं भरते हो, राउंड टू में जाते हो, फीस नहीं भरते राउंड टू में जाते हो, राउंड टू में कॉलेज मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो राउंड वन वाली भी गई क्योंकि आपने फीस पे करके फ्रीज नहीं करी थी। अगर आप फीस भर देते हो और फिर राउंड टू में जाते हो, राउंड टू में कोई कॉलेज नहीं मिलती तो राउंड वन वाली तो रहेगी, लेकिन मिलती है तो कंपलसरी उसमें ही जाना पड़ेगा, ये अपने आप कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक, आप बोलो सर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूं फिर तो भी नहीं, ये तो गई। ठीक, तो ये खास आपको ध्यान रखना है ना, ये खास आपको ध्यान रखना है। अगर आपने राउंड वन में फीस पे करी है फिर आप राउंड टू में गए, है ना, और आपको ये आपको राउंड टू की कॉलेज से पहले कहीं पे ऑफलाइन एडमिशन मिल गया तो 20,000 वापिस कैसे मिलेंगे? तो अगर राउंड टू के अंदर सेम टू सेम राउंड वन वाली कॉलेज आई तो फिर पैसे वापिस नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे आपको ऐसा चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कि जिसमें आपको राउंड टू में कोई नई कॉलेज मिले और फिर आप उसका चॉइस फिलिंग कर पाओगे, और वो मिल जाए तो आप फिर कैंसिल करवा के पैसे वापिस ले सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के फीस यहाँ पे नहीं भरते हो तो ये सेम कॉलेज की सेम ब्रांच आपको यहाँ पे शो नहीं करेगी, है ना, उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच शो करेगी, लेकिन यहाँ पे मान लो एक्स कॉलेज की एक्स ब्रांच है वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगी फीस पे नहीं करते हो। तो फीस पे करके फ्रीज करते हो तो यहाँ पे वो डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो आपने फ्रीज करके रखी है, ये ध्यान रखना। ठीक, दूसरी कोई फीस होती है टीएफडब्ल्यूएस के अंदर, है ना, तो टीएफडब्ल्यूएस के अंदर दूसरी कोई फीस होती है वो आपको कॉलेज को पूछ लेने का, है ना, कि भाई आप एक्स्ट्रा कितनी फीस लगेगी। कोई कोई कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस में कॉलेज फी तो माइनस होती है लेकिन एक्स्ट्रा फी 50,000-60,000 हो जाती है, गवर्नमेंट में उतनी नहीं होती है लेकिन प्राइवेट में वो हो जाता है तो वो दूसरी कॉलेज की फीस की बराबर हो गई, तो टीएफडब्ल्यूएस तो खाली नाम का रह जाता है। ठीक, तो टीएफडब्ल्यूएस में कॉलेज की कौन सी एक्स्ट्रा फीस आएगी वो उस कॉलेज वालों को पूछ लेना। पार्ट टाइम विद जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है पैसों की तो वो लोग पार्ट टाइम विद जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई कोई कॉलेज परमिशन देती है। पार्ट टाइम विद जॉब भी अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है भर देना, हमारी टीम आपको थोड़ी बहुत कॉलेज के नाम देगी, वो पार्ट टाइम विद जॉब में अलाउ करते हैं, है ना, तो घर की सिचुएशन खराब है तो जॉब करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। हॉस्टल के लिए क्या, तो हॉस्टल के लिए तो आपको डायरेक्ट उसी इंस्टीट्यूट के कॉलेज में कॉल करना है, वही आपको गाइड करेंगे हॉस्टल मिल सकती है तो कैसे, नहीं मिल सकती है तो कैसे। उसके बाद एक्सेप्ट और डिक्लाइन का कब आएगा राउंड टू में जाने के लिए, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा, है ना, वो बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा आएगा हम बताएं, कॉलेज कब स्टार्ट होगी उसके लिए मैं अभी कैलेंडर दिखाता हूँ, और डीडीसीईटी नहीं दिया तो मैंने बोला कि फॉर्म भर दो तो आपका एडमिशन के लिए कुछ हो जाएगा, अभी कंफर्मेशन कुछ आया नहीं है लेकिन आप सीट फ्रीज कर पाओगे, है ना। गूगल फॉर्म में आपको कॉलेज गाइड करेंगे, कॉलेज में आपको एक सीट ब्लॉक करनी है तो 10,000 के 5,000 कुछ कॉलेज वाले पेमेंट लेते हैं। अगर डीडीसीईटी नहीं दी है, एडमिशन देना है ऐसा एसीपीसी बोल दे तो आपका डर, एसीपीसी ना बोल दे कि भाई डीडीसीईटी नहीं दिया है तो नो एडमिशन, तो वो जो आपने फीस भरी होगी वो आपको वापस मिल जाएगी, है ना। ऐसे रूल में कॉलेज वाले एडमिशन देना शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम कैलेंडर, है ना, तो कैलेंडर के अंदर फीस पे करने की डेट कौन सी है, तो फिलिंग ऑल्टरनेट लॉकिंग चॉइस बाय द कैंडिडेट एक्चुअल, ये हो गया एक्चुअल, हाँ, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ फीस 2 तारीख से 6 तारीख है, तो 6 तारीख को मत रखना, कभी कभी साइट बंद होती है ना, 6 तारीख को मत रखना। और ऑनलाइन कैंसिलेशन मतलब फीस पे करने के बाद आपको ऐसा लगा कि भाई नहीं यहाँ तो हमारे कैंसिल करें क्या ऑफलाइन ले ले तो आप इस टाइम में कैंसिल भी करोगे तो वैसे वापस आएंगे 3-4 महीने के बाद, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सोच समझ के फीस भरिए, ये सब खेल में मत पड़िए, है ना, ये सब खेल में मत पड़िए। वैकेंट का लिस्ट 8 तारीख को आएगा लेकिन वो 7 तारीख को ही आ जाएगा, है ना, वो 7 तारीख को ही वैकेंट का लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद राउंड टू शुरू होगा जिसको रीशफलिंग भी बोला जाता है या फिर राउंड टू भी बोला जाता है 9 तारीख से 11 तारीख, है ना, 9/7 से 11/7, और फिर उसका रिजल्ट आएगा 15/7, फिर आगे की बातें हम करेंगे। इसके अंदर भी कैंसिल का फंडा होता है ना, इसके अंदर भी देखो कैंसिल का फंडा होता है, ऑनलाइन कैंसिलेशन है यहाँ पे भी 16 से 20, तो वो तो फंडा रहता ही रहता है। और आपकी कॉलेज कब शुरू हो रही है, 16/7 को कॉलेज आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला फंडा था उसमें भी आप याद रखना कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट टू लेट कितना कर सकते हैं। तो अगर आपको राउंड टू में जाना ही नहीं तो कर दो, है ना, राउंड टू में जाना ही नहीं तो कर दो, राउंड टू में जाना है, राउंड टू में आप गए फिर कोई कॉलेज नहीं मिली, फिर आप राउंड वन की कॉलेज में जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो आपकी रहेगी रहेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि भाई वो तो आपकी रहने ही वाली है ना, फीस पढ़ते हो तो वो रहती है, अगर राउंड टू में दूसरी मिलती है तो ही वो चली जाती है।
राउंड टू में कोई नहीं मिलती तो फिर आप राउंड वन की कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब यह प्रॉब्लम क्या हो गए, राउंड टू में आप जाना चाहते हो तो राउंड वन वाली कॉलेज आपको मेल करना शुरू करेगी, कॉल करना शुरू करेगी, व्हाट्सअप करना शुरू करेगी कि भाई आपको कंपलसरी कॉलेज आना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, वरना ये शीट चली जाती है। तो ऐसे रूल नहीं है, ये कॉलेज हर बार आपके डर का फायदा उठाती है ना। रूल यही है कि ACPC में फीस भर दी मतलब वो शीट आपकी, कोई कॉलेज वाले पे खुद से वो शीट दूसरों को नहीं दे सकते हैं, वो आपकी फ्रीज हो गई। फीस नहीं भरते हैं तो चली जाती है, ठीक। तो उससे घबराना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते भी हो तो भी राउंड टू में जा सकते हो, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फीस कॉलेज में पे करके मत आना, वरना वो फीस वापिस लेने में प्रॉब्लम आपको पड़ सकते हैं। तो इतनी चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। साथ में अपने प्लेटफॉर्म प्रियसर विद्यापीठ के कोर्स अब बहुत जल्द ही लॉन्च हो रहे हैं, ताकि आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। तो 2-3 दिन में हम हमारे सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। सेमिस्टर 3 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, IT, EC, इलेक्ट्रिकल के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, है ना। तो जो प्रॉब्लम है वो खाली और खाली केमिकल ब्रांच में है, केमिकल में खाली मैथ्स अवेलेबल है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच के कोर्सेज अवेलेबल है। बहुत जल्द ही हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, नॉमिनल प्राइस में है। और खास ध्यान में रखना, इंजीनियरिंग के अंदर रिजल्ट्स मैटर करते हैं, आप रिजल्ट एक बार चेक कर लेना, अपने प्ले स्टोर पे रिव्यू चेक कर लेना, उसके बाद ही कोर्स बाय करने हैं। तो अब आई थिंक आपको D2D एडमिशन में कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अभी भी आपका कोई डाउट बाकी बच जाता है, मैंने आपको खाली एक चीज बोली, राउंड टू के बाद अगर आप फेल होते हो आपके 6th सेमेस्टर के रिजल्ट में, 5th में 4th में आगे की KT बाकी रहती है, तो आपका एडमिशन इस बार कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको DD CET वापस देनी पड़ेगी। लेकिन वो जो फीस भरी होगी वो वापस कैसे आएगी, तो उसका ACPC ने अभी प्रॉपर बताया नहीं, आएगी तो सही, वो लोग ले नहीं लेंगे, लेकिन वो एक अभी खाली क्वेश्चन मार्क है, वो भी मैं आपका जल्द ही क्लियर कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तो सिंपल वही है कि कैंसलेशन के टाइम में आप कैंसिल करवा दोगे तो वो फीस वापस आ जाएगी। अभी भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो जरूर कमेंट करना, खाली डाउट में वो डाउट मत शेयर करना कि सर एक्स कॉलेज के वाई कॉलेज, ये ब्रांच के वो ब्रांच, वो आपका डिसीजन है, आपको ही फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, मैंने ट्राई किया है सारे सवालों के जवाब देने का। रात को तो भी मिलते हैं लाइव 9 बजे 2 तारीख जुलाई रात को 9 बजे सारे आंसर देके हम सेशन को समाप्त करेंगे और आपके एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं रात को लाइव सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर।